राजधानी रायपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होकर वापस लौट आए हैं। न्याय यात्रा से लौटने के दौरान उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे पार्ट न्याय यात्रा की शुरुआत हुई है, जिसमें छत्तीसगढ़ समेत देश भर के नेता शामिल हुए हैं। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की इस यात्रा को पूरे देश में ऐतिहासिक जन समर्थन मिलेगा, साथ ही यात्रा से देश में नए बदलाव के संकेत मिलेंगे। इसी कड़ी के तहत दीपक बैज ने कहा कि न्याय यात्रा का प्रभाव गरीब, युवा, पीड़ित, बेरोजगारों को न्याय दिलवाने के लिए है, ताकि सबके बीच में राहुल गांधी पहुंचे और उनकी भावनाओं और बातों को सुने। रायपुर से भोलेश मिश्रा की रिपोर्ट। कल भारत जोड़ो यात्रा के फर्स्ट पार्ट के सफल ताके बाद ऐतिहासिक जन समर्थन के बाद दूसरा 14 जनवरी को भारत न्याय यात्रा पार्ट टू की शुरुआत हुई। देश भर के तमाम आला नेता मौजूद रहे, हम लोग भी छत्तीसगढ़ से हमारे सीएलपी लीडर सहित हमारे सांसद साथी पूर्व मिनिस्टर उपस्थित रहे। ऐतिहासिक शुरुआत हुआ है, मणिपुर इम्फाल से लेकर मुंबई तक 6700 किलोमीटर गुजरेगी, 20 मार्च को समापन होगा और ऐतिहासिक जन समर्थन मिल रहा है। मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।